जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में घिरी हुई नजर आ रही है। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव चल रहा है और शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई, जिसके बाद देर रात 10:30 बजे तक मतगणना स्टार्ट हुई। लगभग 4 बजे ये खबर आती है कि एबीवीपी के कुछ गुंडों ने वहां पर बूथ कैंप में घुसकर तोड़फोड़ की है, गुंडागर्दी की है। इसके बाद लेफ्ट यूनिटी का आरोप था कि एबीवीपी के कुछ गुंडों ने वहां पर तोड़फोड़ की है, लेकिन एबीवीपी की निधि त्रिपाठी और सौरभ शर्मा का आरोप है कि वहां पर मतगणना में लेफ्ट की अगुवाई में धांधलेबाजी की जा रही थी, जिसमें ईसी के मेंबर्स भी मिले हुए थे। हम आपको मारपीट के एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन छात्रों ने वहां पर मारपीट की है और वहां पर गार्ड को भी चोट आई है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की पल पल की खबर के लिए आप जुड़े रहिए यूनिवर्सिटी सर्कल के साथ। धन्यवाद।